स्वागत है आप सभी का जीतूवाणी में एक बार फिर से। दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल ट्रेन की जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपकी जर्नी दिल्ली से मध्य प्रदेश होते हुए साउथ तक जाती है, यशवंतपुर जंक्शन यानी कि बेंगलोर के आसपास तक जाती है, तो आप इस ट्रेन का यूज कर सकते हैं। दूसरी गाड़ियों में जो टिकट है वो महंगा भी है और अधिकतर गाड़ियों में सीटें भी नहीं मिल रही हैं, तो ये गाड़ी रेलवे ने शुरू की है यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। इसकी जर्नी यशवंतपुर से शुरू हो रही है आने वाली 17 अप्रैल को और 19 जून तक ये जर्नी चलेगी। ऐसे ही रिटर्न में ये गाड़ी दिल्ली सराय रोहिला से सोमवार को चलेगी 19 अप्रैल को और 21 जून तक सफ़र करेगी। ये गाड़ी पूरी तरीके से एसी है और सिर्फ रिजर्वेशन टिकट पर, कन्फर्म टिकट पर ही आप इसमें यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से स्टेशनों से ये गाड़ी होकर जाएगी। यशवंतपुर जंक्शन, गुप्तकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, बलहरसा, हबीबगंज, झांसी और दिल्ली सराय रोहिला। दोस्तों ये गाड़ी दुरंतो है तो इसकी स्टॉपेज कम है और स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब करंट में क्या स्टेटस चल रहा है, आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी IRCTC की वेबसाइट पर हैं और मैं यहाँ पर यशवंतपुर का कोड डाल देता हूँ और दिल्ली सराय रोहिला, ठीक है, और आने वाली 17 तारीख को हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये जो गाड़ी है 17 तारीख को शुरू हो रही है, तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये देखिए 0 65 93 गाड़ी नंबर याद रखिएगा, अगर आप यशवंतपुर से वापस आ रहे हैं तो गाड़ी नंबर होगा 0 65 93। देखिए थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी सबके अंदर सीटें खाली हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी टिकट सस्ती भी है। वहीं नीचे आप देखिए ये दूसरी गाड़ी है, देखिए बेंगलोर से शुरू हो रही है, निजामुद्दीन तक आएगी और इसका टिकट जो है वो 3475 रुपये का है। अभी इसमें IRCTC का चार्ज लगेगा तो पूरा 3500 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर आप इस गाड़ी में टिकट बुक करते हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ, तो इसकी टिकट आपको 1000 रुपये सस्ती भी पड़ेगी, ठीक है, थर्ड एसी की। और इसके अंदर अभी 320 सीटें खाली हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। रूट मैंने आपको बता दिया, फेयर बता दिया, सीट्स की अवेलेबिलिटी बता दी। आइए दोस्तों फटाफट जानते हैं रिवर्स में, यानी कि अगर सराय रोहिला से आपको MP जाना हो या फिर बेंगलोर साइड जाना हो तो आपको क्या करना होगा। देखिए 19 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारी ट्रेन है वो हमारे सामने होगी, इसका रिटर्न में गाड़ी नंबर होगा 0 65 94, ठीक है। तो 0 65 94 दोस्तों 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल को भी 0 65 94 अभी IRCTC की वेबसाइट पर शो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही इसकी कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत सर्च करता हूँ तब जाके मैं आपको ये जानकारियाँ देता हूँ, आगे भी आपको मिलती रहेंगी। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।